विशाल और लवकेश की लड़ाई हुई, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को अपनी वीडियो के जरिए पहले ही बताया। अब उस लड़ाई के मजे लेते हुए रणवीर, अरमान, साई केतन और कृतिका नजर आ रहे हैं। अभी इन लोगों के खाने का बंटवारा हो चुका है, ये अपना अपना खाना बनाते हैं और खाते हैं। इन लोगों ने अपना खाना बना लिया है और बना के जो है डाइनिंग टेबल पे आराम से दाल रोटी जो है वो खाते हुए नजर आ रहे हैं। इसी बीच में ये जब लड़ाई हो रही थी, बहस बसैया हो रहा था विशाल और लवकेश के बीच में, वहां पर जो है मौजूद अरमान मलिक भी थे। अरमान मलिक ने ये सब चीजें सुनी, अरमान मलिक ने जो है ये सब चीजें देखा। बोलते हैं ना कि जब आपके घर की लड़ाई होती है, अगर चार दीवारी के अंदर है तो ठीक है, अगर वो लड़ाई बाहर चली जाती है तब बाहर के लोग जो है उसका फायदा जरूर उठाते हैं। और ये फायदा जो है अरमान मलिक को जरूर मिल रहा है। अरमान मलिक को जो है बातें करने की अभी एक और एक एडवांटेज जो है मिल चुकी है इनके खिलाफ बातें करने के लिए, जहां पर वो रणवीर को कहते हुए नजर आए कि विशाली जो है वो अंदर चली गई है नाराज होके। तो रणवीर बोलते हैं क्यों, ऐसा क्या हुआ, इन दोनों की लड़ाई हुई थी ना, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, अभी हम में तो कोई ऐसा सब चीजें करता नहीं है और नंबर बढ़ाते रहते हैं बस एक दूसरे के सामने, भाई तूने किया तूने नहीं किया, वैसे जो है करते रहते हैं, हाँ भाई मैं कर देता हूँ, हाँ भाई तू कर दे, और फिर जब अभी नहीं हो पा रहा है तब एक दूसरे के ऊपर जो है उंगली उठा रहे हैं। ये चीजें जो है यहाँ पर अरमान मलिक बोल रहे हैं। और उसके बाद जो है अरमान मलिक अंदर चले जाते बेडरूम में और अरमान बोलते हैं कि भाई जैसी मेरी हालत हो रही है कृतिका, कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि अरमान जो है कल रात को सो नहीं पाए, उनकी नींद पूरी नहीं हो पाई। तो वहां पर शिवानी भी आती है, शिवानी जो है वहां पर रहती है और शिवानी बोलती है कि भैया हमें अच्छा नहीं लगता है कि अलग अलग लोग बैठ के जो है खाना खाएं, एक परिवार है। तो शिवानी इसका कहना यह है कि अरमान का कहना यह है कि भाई अभी ये इस पूरे घर का रूल है, रूल तो देखना पड़ेगा, टाइम जब से बिग बॉस शुरू हुआ है वैसे ही चलता हुआ आया है। और खाने की रही बात, वहां पर कुछ बात होती है जहां पर अरमान एक टोन मारने लग जाते हैं कि हमारा खाना तो आराम से बन जाता है, हम तो चारों लोगों को खाना बनाना आता है, हम में कोई वेट नहीं करता कि किसको बनाना है, किसको कांधा कट करना है, किसको दही छोकनी है या किसको क्या करना है, जिसका जो मन करता है वो उठ के कर देता है, हम में ऐसी लड़ाई झगड़ा नहीं होता, हम तो चुपचाप जो है खाना बना लेते क्योंकि हम लोगों को ही तो खाना है। ये टोंड जो है अब अरमान मलिक मारते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अरमान मलिक ने अब इन दोनों के बीच में लड़ाई जो देख ली, क्योंकि विशाल ने बोला कि मैं कांदा कट कर दूंगा तो मैं दही को तड़का लगा दूंगा, ये सब चीजें बोली और वहां पर एक स्टेटमेंट पास की लवकेश ने कि भाई तू तो लेटे लेटे तुझे सब चीजें चाहिए कि वहां पर ही कांदा चाहिए, उसकी वजह से जो है इनके बीच में बड़ी वाली लड़ाई हो गई। अब आप बताइए कि भाई लड़ाई ये जो है ये फायदा तो उठा रहा है अरमान और आगे भी बहुत ज्यादा फायदा उठाएगा, क्या कहना है आपका?